불을 덮대면서 यहीं से आ रही थी इसमें से और धुआं इस सोफे के नीचे से आ रहा था। इसका मतलब सच में कोई भूत नहीं, ये सब एक नाटक था। हरी, ये तूने बिल्कुल ठीक नहीं किया, मुझे डराने आई थी ना, तो देख मैं तेरा क्या हाल करूंगी। तेरे जाल में मैंने तुझे ना फंसा दिया ना, तो मेरा नाम भी नहीं थी चुने जाने। मैं तुझे आई थिंक मुझे अंबिका जी को फोन करके पार्वती का हालचाल पूछना चाहिए। नहीं, अगर उन्हें बुरा लग गया तो, वैसे भी वो पार्वती के साथ हैं तो मैं इतना स्ट्रेस क्यों ले रहा हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लग रहा है कि मुझे पार्वती से बात करनी चाहिए। मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ, एक फोन ही तो है। नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा। कहीं अंबिका जी को ऐसा तो नहीं लगेगा कि मैं बीमारी के बहाने पार्वती से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा गड़ा ऑप्शन। और मैं इतना स्ट्रेस क्यों ले रहा हूँ, पार्वती घर पे होगी और रेस्ट कर रही होगी। मैं भी ना फालतू में टेंशन ले रहा हूँ। तो यहाँ से हो रहा था लाइट का खेल, मुझे डराने आई थी ना, अब तू देख मैं क्या हाल करती हूं तेरा। ये नीति अचानक से कहां गायब हो गई, अभी तक तो यही थी। ये जो नाटक मेरे साथ किया है ना, ये तुझे सच में बहुत महंगा पड़ेगा। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करूंगी। पता नहीं क्यों इतनी टेंशन, इतनी घबराहट हो रही है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में। मैं तो, मुझे कुछ नेगेटिव नहीं सोचना है, बस चाहती हूँ कि वो जल्दी से काम खत्म करे और वापस आए। मैं जानती हूँ दाइमा वो बहुत अच्छे से प्लानिंग करके गई है, वो जो करेगी बहुत अच्छे से करेगी, लेकिन मैं क्या करूँ, उमा हूँ ना, इसलिए मुझे बहुत चिंता हो रही है दाइमा। मैडम टेंशन मत लो, देखो मैडम पार्वती बहुत ही समझदार लड़की है, पार्वती जीत कर आएगी मैडम, विश्वास रखो। आई रियली होप ऐसा ही हो दाइमा, लेकिन वो नीति है ना, मैंने सच में दाइमा आज तक लाइफ में इतनी खतरनाक लड़की नहीं देखी है। मेरी पार्वती बेचारी बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकती है, लेकिन वो नीति, उस लड़की का दिमाग लोमड़ी का दिमाग है, जो मेरी पार्वती का नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं मैडम। एक बात बताइए मुझे, क्यों गई है पार्वती आज वहां, नीति से ये उगलवाने ना कि नीति ने ही परी का खून किया था। क्या लगता है आपको, नीति इतनी सीधी है, इतनी भोली है कि परी भूत बन के उसके सामने नाटक करेगी और वो सब कुछ कन्फेस कर देगी? नॉट फॉर अ सेकेंड दाइमा, वो पहले हर कोशिश करेगी, हर तिकड़म करेगी कि वो परी सच में भूत है कि नहीं। नहीं मैडम, ऐसे कुछ नहीं होगा। ऐसा ही होगा, अब तक तो आप भी नीति को अच्छे से जानती हैं। वो हर कोशिश करेगी ये पता करने की कि वो पार्वती का भूत नहीं, एक्चुअली पार्वती है। वो इतनी आसानी से कन्फेस नहीं करेगी, इट्स नॉट गोना बी दैट इजी, और इसी बात की टेंशन है मुझे। मैडम अगर ऐसा हो गया तो पार्वती तो पकड़ी जाएगी। मुझे कोई
मुझे बख्श दे, प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज कोई बचाओ मुझे, प्लीज। ये आवाज तो ऊपर से आ रही है, इसका मतलब नीति ऊपर ही है। मैडम एक काम करते हैं, हम वहां चलते हैं। देखो मैडम, उसको हमारी जरूरत है, अगर हम वहां जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। चलो मैडम, चल। नहीं कर सकते हम ऐसा, नहीं जा सकते हम बाजवा हाउस। अगर हम वहां गए तो नीति को कंफर्म हो जाएगा कि वो परी का भूत नहीं है। मैडम एक काम करते हैं, हम उसको फोन करते हैं मैडम, वो ठीक रहेगा। एक बार फोन करते हैं मैडम, सब ठीक हो जाएगा। फोन भी नहीं कर सकते दाई माँ, पार्वती ने कहा था ना कि वो अपना फोन फ्लाइट मोड पे रखेगी, क्योंकि वो अपना फोन यूज करने वाली है उन एप्स के लिए। स्मोक मशीन, साउंड, भूत की आवाज, चिल्लाना चीखना। तो मैडम हम क्या करें? कुछ नहीं कर सकते दाई माँ, यहाँ वेट करने के अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। बस माता रानी से यही प्रार्थना है कि मेरी बच्ची जो काम करने गई है उसमें सफल हो, अच्छे से अपना काम करके बस सही सलामत घर वापस आ जाए। दैट्स इट। देख, चुपचाप बाहर आ जा, आज तो नहीं बचेगी। अपना बदला लिए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुझसे अपना बदला तो लेके रहूंगी मैं आज। तू बाहर आ रही है या फिर मैं आ जाऊं? परी का पर्दाफाश। तेरी जान में मैंने तुझे बसा दिया परी, तू मुझसे कभी नहीं जीत सकती, कभी भी नहीं। अब तेरा सच सारी दुनिया को पता चलेगा, अब खत्म हो जाएगा तेरे ये परी और पार्वती का नाटक। दी एंड होगा आज, परी का भी और पार्वती का भी। मम्मी बहन जी, तुसी क्या देख रहे हो? वो काफी देर से देख रही हूँ, आप लगातार बाहर की तरफ देख रहे हैं। क्या हुआ, सब ठीक है ना? लगने को तो सब ठीक लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि ऐसा कुछ है जो बिल्कुल हमारे सामने है, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा। जैसे कि माता रानी हमसे कह रही है कि वो हमें कुछ दिखाना चाहती है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं। मैं कुछ समझी नहीं, आप किस बारे में बात कर रही हैं? बहन जी, पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि माता रानी कह रही है कि पुत्र, सच को मैंने तेरे सामने रख दिया है, उसे पहचानना तेरा काम है।